कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हरिशंकर ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देखिए, ये रहा भंगा साड़ी का और इसमें डोरी बांध लिया हूँ, और ये रहा मेरा बैग और इसी से मैं बोझा ढो रहा हूँ। देखिए जो लाया हुआ हूँ, गेहूँ का मतलब कुट्टी कटाया हुआ जो भूसा होता है, भूसा पूर्ण रूप से मैं तैयार करके भंगा में भर के लाया हूँ। और क्या परेशानियाँ होता है मैं सारा इस वीडियो में आप लोग को मेंशन करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप देखिए, वो रहा भूसखार, भूसा रखने के लिए भूसखार अलग होता है, पन्नी तनी दे के भी आप टीना का भी बना सकते हैं, जिसको जितना क्षमता होता है उस अनुकूल बनाता है। तो अभी देखिए मैं जा रहा हूँ, कुछ ही क्षणों के बाद वहाँ जाऊँगा जहाँ से मैं बोझा ढो के लाता हूँ भंगा में भूसा। वहाँ आप लोगों को बीच दिखाऊंगा और नदी पार करना पड़ता है, वह भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरी ब्लॉग्स में आप लोग कंटिन्यू बने रहें, क्या क्या होता है सारा जानकारी आप लोग को मिलेगा। तो मेरा बाइक लग चुका है, मैं भंगा हाथ में ले चुका हूँ और वहाँ देखिए कुछ दूर नज़र आ रहा है आपको बाद ही बाद। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, देखिए ये रहा रोड, आपको देख रहे हैं गांव घर, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे गाड़ी लगा दिया हूँ और यहाँ से दूर जाऊँगा। और दूर आप देख रहे हैं बाद का जो नज़ारा है, वो अभी कितना मौसम में आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी जाता हूँ नदी। तो नदी किनारे पहुँच चुका हूँ और देखिए भंगा लिए हाथ में और मैं अभी नदी में जा रहा हूँ। और ये माता गंगा है और इसको पार करते हम लोग देखिए कम से कम 100 मीटर की दूरी है इसकी पेट, हम लोग पार इसको करते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे उस पार जहाँ पे गेहूं का तैयार किया हुआ भूसा रखा हुआ है, वहाँ से ढो के लाते हैं हम लोग। सुविधा बहुत कम है जैसे गाड़ी का ढोने में, आप लोग जानते हैं, और पैसे का बहुत खर्च होता है आजकल, उतना आमदनी नहीं है। और यहाँ से उगने में थोड़ा बहुत कम दूर होता है, इसलिए हम लोग मोटरसाइकिल या साइकिल या कपाड़ पे बोझा को ढोते हैं। देखिए नदी पार हो चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ वहाँ पे, देखिए जहाँ पे भूसा लदा हुआ है, ज़रूर आप लोग देख। देखिए मेरी माँ यहाँ पे है और भंगा में भूसा दिया जा रहा है, मैं अभी यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। और ये रहा मेरा 7 से 8 कट्ठा का प्लॉट और यहाँ पे लम्हा भूसा आप जानते हैं अभी 300 रुपये कट्ठा मिलता है भूसा, और लगभग 1 कट्ठा में आपको 50 से 60 केजी तक का भूसा आता है। अच्छा गेहूँ होने के बाद 2 मन कट्ठा आ जाता है भूसा। तो आप ब्लॉग्स वीडियो को कंटिन्यू अगर देखना पसंद करते हैं, देखिए भंगा में भरने के लिए एक छीटा रखा हुआ है, फिर डोरी से बांधना पड़ता है मुंह को। और दूर आप देख रहे हैं सभी का भूसा गांव बाद में ही तैयार होता है, कहीं कहीं दूर दिख रहे हैं वहाँ नज़र आ रहा है आपको भूसा रखा हुआ है, तैयार करके हम लोग गाँव में ही यहाँ से बाद में ले जाते हैं घर की ओर। तो आप मेरे ब्लॉग्स वीडियो को कंटिन्यू देखें और चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।